हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात करी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक वर्क नहीं करता अगर आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे वर्क नहीं करते। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है कि आप अपनी फीलिंग्स पे वर्क करें, आपकी फीलिंग कैसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है और आपकी वाइब्रेशन किस लेवल पे है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं वॉच करी तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी, आप मेरी वो वीडियो जाके देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई कैसे रख सकते हैं, आप एलिवेटेड कैसे रख सकते हैं, आप कैसे अच्छा फील कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन आता है कि मैम आप कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को हाई रखो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, लेकिन वो करें कैसे? जब हम करने बैठते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, तो कैसे उसको करें? तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे कि हम कैसे अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हैं। तो मैं आपको 6 वेज बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हैं, गुड फील कर सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रख सकते हैं। क्योंकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गोल से मैच करेगी, तभी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। जब तक आप अपनी लो वाइब्रेशन में हैं, लो फ्रीक्वेंसी में हैं, तब तक चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने माइंडसेट पे। टेक्निक्स बिल्कुल वर्क नहीं करेंगी अगर आप अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करते। आप चाहे 5-5-5 टेक्निक कर लें, आप चाहे वाटर बॉटल टेक्निक कर लें, आप चाहे होपोनोपो कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपके माइंड में पीस नहीं है, जब तक आपके आपकी वाइब्रेशंस लो लेवल पे हैं, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, टेक्निक्स नहीं वर्क करती। सो हम 6 मेथड्स की बात करेंगे, 6 ऐसे मेथड्स की कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज है कि आप उससे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा ये बात करते हैं कि दूसरा इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा। दूसरे इंसान से पहले आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें, आप अपने माइंड को काम करना सीखें। और मेडिटेशन से ऊपर कोई चीज नहीं है। आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी। और मेडिटेशन के साथ साथ आप चक्रा क्लीनिंग करें। चक्रा क्लीनिंग के साथ आप जो भी आपके अंदर इमोशंस का इम्बैलेंस है वो बैलेंस होगा। और जैसे ही वो बैलेंस होगा आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे ही आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, आप अपने अंदर से फियर, गिल्ट, लाए, वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स को निकालेंगे चक्रा क्लीनिंग के साथ, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और वो आपके गोल से मैच करेगी और आप चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करें। हम सब बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, सिचुएशंस ऐसे आपको ओवर पार कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप किसी से, जिससे भी आप बात कर सकते हैं, जिससे भी आप शेयर कर सकते हैं, आप उससे शेयर करके अपनी जो भी आपको चीजें बॉदर कर रही हैं आप बता दें। कोई काउंसलर से बात करके या अपने कोई फ्रेंड से बात करके, अपनी किसी फैमिली से बात करके, अगर रोना आ रहा है तो रो लें, एक बार वो इमोशंस को बाहर निकाल दें और उसके बाद उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। थर्ड मेथड है जो कि बहुत पावरफुल है, हाई फ्रीक्वेंसी फूड। अब ये बातें हम बहुत इग्नोर कर देते हैं कि फूड की अपनी एनर्जी है, हर चीज की एनर्जी है। आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या है? अगर आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उसकी एनर्जी क्या? अगर आप वेजिटेबल्स फ्रूट जूसेस पीते हैं उसकी एनर्जी क्या है? अगर आप एसेंशियल ऑयल्स ले रहे हैं या आप नॉन वेज खा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो प्राणिक फूड खाएं। प्राणिक फूड मींस लाइव फूड, जिसमें एनर्जी ज्यादा है, जिसमें एनर्जी हाई है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह का फूड खा रहे हैं। सो हाई एनर्जी फूड अगर आप खाएंगे तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट होगी और अच्छे लेवल पे जाएगी। नेक्स्ट मेथड है गुड म्यूजिक। यहां पे मैं कुछ चीजें बताऊंगी कि किन चीजों से आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं। गुड म्यूजिक, एक्सरसाइज, डांस कर सकते हैं आप ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, किसी को एक
ग्रैटिट्यूड की फीलिंग देते हैं तो आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाती है. और आप कोई मूवीज देख सकते हैं कॉमेडी वाली, अच्छी बुक्स पढ़ के. बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. आप बुक्स पढ़ के अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं. जो इंसान बुक्स पढ़ता है वो कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकता. आप मोटिवेशनल वाली बुक्स देखें, और आप कुछ भी ऐसी बुक्स पढ़ें जो सेल्फ हेल्प वाली बुक है, या कोई भी अच्छी बुक्स जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो करें. तो ये सारी चीजें करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अप कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट है, किन चीजों को अवॉइड करना है. और किन चीजों को अवॉइड करना है, वो चीजें हैं आपकी टीवी, न्यूज चैनल्स, टीवी सीरियल्स, मूवीज. ऐसी मूवीज जो आपको नेगेटिव चीजें देती हैं, ऐसी टीवी सीरियल्स जो आपको नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि आप उसमें देखेंगे कहीं कोई सस्पेंस है, कहीं कोई फाइट है, कहीं कोई मर्डर हो रहा है, कहीं कोई फैमिली झगड़े हो रहे हैं. बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं, आपके ना चाहते हुए वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाते हैं. और वही सबकॉन्शियस माइंड आपको गवर्न करता है कैसे आप वर्ड्स बोलें, कैसे आपके थॉट्स होंगे, कैसी आपकी फीलिंग्स होंगी. तो आज से आप देखें, लेकिन अच्छी चीजें देखें. न्यूज बिल्कुल बंद करें, न्यूज़पेपर्स बंद करें. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स मत देखें. टीवी सीरियल्स जो आपको जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं वो मत देखें, अच्छे देखें. मूवीज जो आपके माइंड को नेगेटिव कर रही हैं उनको मत देखें. तो ये चीजें अपनी लाइफ में से हटाएं. सिक्स्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए. आप जब ये सारी चीजें करेंगे, मेडिटेशन, चक्रा क्लीनिंग, आप अच्छे गाने सुन सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ये सारी चीजों से आपकी फ्रीक्वेंसी एलिवेट होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी अप होती है. प्राणिक फूड खाने से आपकी फ्रीक्वेंसी अप होती है, साथ साथ में पॉजिटिव थॉट्स. दिन में अगर आपको कभी नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते हैं तो उसको करें कैंसिल. कैंसिल इमीडिएटली आप स्विच करें. आप कोई पॉजिटिव थॉट्स के लिए कोई कोटेशंस पॉजिटिव पढ़ सकते हैं. सुबह जब भी आपका माइंड अपसेट हो आप पॉजिटिव चीजें पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका माइंड एकदम स्विच हो जाएगा. अब ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करेगा. आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिकली वर्क करता है, एक मैजिक की तरह वर्क करता है. आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, चाहे आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, बिजनेस में चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको कुछ भी चाहिए, हर चीज मैनिफेस्ट होगी. लेकिन अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखिए, अपनी फीलिंग्स को हाई रखिए, अपनी फीलिंग्स को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखें. तीन चीजें वर्क करती हैं, थॉट्स, फीलिंग और एक्शन. ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि कैसे आप अलाइनमेंट में रहें, पर पहले आप हाई वाइब्रेशन करें. जब आप हाई वाइब्रेशन करेंगे तो आप अलाइनमेंट में आएंगे ही आएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी अलाइनमेंट के बारे में कि अलाइनमेंट क्या है, लेकिन यहां पे अभी हम अपनी हाई वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रख सकते हैं, कैसे हम अपनी नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव न्यूज को अपनी लाइफ में से निकाल के एक पॉजिटिव सोच रख सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. बस आप ये करें कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ के लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करें, और फिर आप देखें लॉ ऑफ वाइब्रेशन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइन होता है तो क्या मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं. Thank you so much for watching my video. I'll see you in the next video.